हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, मैं न्यू ईयर के प्रेडिक्शंस दे रही हूँ 2021 के लिए। सो मेरे जो हैं मोस्टली मैंने डाल दिए थे अपने वीडियोस जो मेरे थे, और नहीं तो मैं अभी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा अपनी जोडियक साइन के हिसाब से। सो आज मैं ले रही हूँ वाटर एनर्जी के लिए, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें होते हैं जो हमारा वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, उसमें है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। सो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैंने एनर्जीज ली हैं कैंसर की। तो आइए हम चेक करते हैं कि कैंसर की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहने वाला है, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है, या हेल्थ में क्या आ रहा है। आउटकम लेंगे, रेमेडीज लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैंसर से। सो कैंसर में आपकी जो लव लाइफ की अगर बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चल रही हैं। 2020 में भी काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हुई है। डेथ है, सेजिटेरियस भी कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। आपने अपने हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से कि प्रपोजल आते भी होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ओपन कीजिए, चीज़ों को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करना शुरू कीजिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए, जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, तो उनकी मैरिज हो सकती है। और जो ऑलरेडी मैरिज में हैं और जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी डेफिनेटली सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। सो आपके अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ओपन कीजिए और आपकी जो लाइफ है वो, जो मैरिड लाइफ है वो और खूबसूरत हो जाएगी। तो हम सिंगल्स की बात करते हैं। सिंगल बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में भी हैं, मुझे लग रहा है स्टक हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, किस तरह की लाइफ में पार्टनर की ज़रूरत है। सो आपको थोड़ा सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सेल्फ लव में भी जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए, सिंगल के लिए बहुत ही खूबसूरत अबंडेंट व्यक्ति जो है एंटर करने वाले हैं। वाइस वर्सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके लिए वेकअप कॉल आ गया है और कुछ लोगों की डिवाइन के द्वारा हीलिंग की जा रही है। 2020 में आप अपने जॉब बिजनेस को लेके काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी लोगों को हो सकता है नुकसान भी हुआ हो कोरोना की वजह से। सो आपके लिए जो प्रपोजल है वो आ रहा है, ठीक है। आपके लिए जो है प्रपोजल आ रहा है, और जो बहुत ही स्लो है, अभी थोड़ा स्लो चलेंगी चीज़ें, धीरे धीरे आगे ग्रो करेंगी, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए बिजनेस में, जॉब में अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ इश्यूज की। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, तो उनको उसको सही करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। निगलेक्ट नहीं करना है अपने हेल्थ इश्यूज़ को। और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। अब हम देखते हैं ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं बिजनेस में, करियर में। सो ओवरऑल व्यू बहुत ही बढ़िया है। तो सन है, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो 21 कैंसर वालों के लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, और आपको ज़रूर ही कोई ना कोई प्रपोजल मिल सकता है मैरिज के लिए, करियर के लिए, या फिर जिनकी हेल्थ वो काफ़ी टाइम से जो है वो सही नहीं चल रही थी, तो वो भी सही हो सकती है। रेमेडीज़ देखते हैं आपको क्या नहीं करना है या क्या करना है। देखिए, आपकी लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन हो सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी रहना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर एक
मास्क पहन के रखते हैं, आपके सामने कुछ प्रिटेंड करते हैं और होते कुछ हैं, आपको सपोर्ट करने की बात करते हैं लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि इस तरह के लोग कौन है जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको थोड़ा अलोननेस में जाने की ज़रूरत है, यानी कि मेडिटेशन हीलिंग करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में किस तरह का करियर चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन मुझे नज़र आई थी। ओवरऑल चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग 2021 के लिए। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के द्वारा भी ये देख सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। मैं अभी डिस्काउंट दे रही हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और यदि आप चाहें तो मुझे FB मैसेंजर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो देखते हैं कि हमारे जो कैंसर हैं इनके लिए, आप लोगों के लिए क्या क्या एंजल का मैसेज आ रहा है। आपके लिए है 3, 2 एंड 4। 3, 2, 4 से आप जो है गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल, और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस वीडियो में, इस मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, मैं जो है हमारे जो जल तत्व होते हैं, वाटर एलिमेंट्स हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं कैंसर, पाइसस एंड स्कॉर्पियो। सो मैं उनकी रीडिंग ले रही हूँ। तो अभी मैं जो है स्कॉर्पियो का चेक करूँगी कि किस तरह का रहने वाला है 2021। तो चलिए देखते हैं। अपनी मैरिज को लेके स्कॉर्पियोज, आप काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बर्डन ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको जो है जल्दी से मैरिज कर लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप फील कर रहे हैं पेरेंट्स की। सो और यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑलरेडी कोई है तो वहीं पर जाके निगाह बार बार अटक रही है, या कोई आपको दूर से वॉच कर रहा है, कोई ऑलरेडी आपको जानता है, सो वो भी आपके सामने आ सकता है। कोई यंगर भी हो सकता है आपसे एज में, मैरिज के लिए वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो आप लोगों को अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है। कोई स्कॉर्पियो ही आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप उनके साथ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी। अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लाइफ की। तो जो लोग कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप, सो वो ये फॉरेन का कार्ड भी होता है, सो जा सकते हैं किसी अदर स्टेट में जॉब ढूंढ सकते हैं, उनको जो है सफलता मिलेगी करियर में, जॉब में या बिजनेस में। प्रपोजल यहाँ पर आ रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक में रहना है, थोड़ी सी चैरिटी भी कीजिए। और यहाँ पे ये जो है एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस में रखा हुआ है, तो इस जो तरह की एनर्जी है उससे आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। प्रपोजल अच्छे आ रहे हैं जॉब के लिए, करियर के लिए अच्छा है, तो निश्चिंत रहिए। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है, जो बहुत समय से परेशान है अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके, कोई गंभीर बीमारी है, सो डिवाइन का इंटरफेयर हो रहा है। हो सकता है आपकी कुछ हैबिट्स सही ना हो, या किसी को कोई एडिक्शंस हो, सो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, सो आपको उन चीज़ों को, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है, अच्छे फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। तो अभी मैं एक ओवरऑल व्यू अगर आपका देखूं तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है, यानी कि और आपके लाइफ में कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको रिवील नहीं हुए हैं। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन भी यहाँ पर मुझको नज़र आ रहे हैं कुछ लोग,
और आपके एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी एंगर वाली हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए आपको इस तरह की एनर्जी में आना है, थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, मेडिटेशन हीलिंग करनी है अपनी, बाकी सब कुछ सही है। रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको इनर वॉइस की सुननी है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, पर्सन को कंट्रोल नहीं करना है, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में यहाँ पर मुझको नज़र आ रहे हैं, तो आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। सो आइए हम देखते हैं कि आपको एंजल नंबर क्या दे रहे हैं डिवाइन। थ्री डबल वन, सो आपके लिए एंजल नंबर आया है 3 1 1। सो 3 1 1 जो नंबर है आप उसको गूगल कीजिए और आप देखिए कि एंजल्स आपको क्या नंबर देना चाहती हैं। सो ये रीडिंग थी मेरे स्कॉर्पियोज के लिए। सो आई होप यू लाइक इट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी तरह के हीलिंग सेशन के लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मुझसे हीलिंग का सेशन भी दे सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। आई एम अ काउंसलर, हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन ट्रेनर। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देयर स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।